एक साथ पांच फिल्मों से निकाली गई थी ऐश्वर्या। शाहरुख की सभी फिल्मों से रातों रात हो गई थी नदारद। अचानक बेरोजगार हुई थी बच्चन बहु। उस वक्त ऐश्वर्या को बॉलीवुड छोड़ना पड़ गया था। जी हाँ, ऐश्वर्या राय के साथ साल 2002 में एक बड़ी घटना हुई थी। एक साथ पांच फिल्मों से बाहर कर दी गई थी बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय के रातों रात बेरोजगार होने की आज हम आपको वो कहानी बताएंगे। कई साल पहले ऐश्वर्या सिमी ग्रेवाल के शो में आई थी और उन्होंने बताया था कि कैसे उनके साथ बॉलीवुड में हुई थी एक बड़ी नाइंसाफी। एक्ट्रेस ने सिमी ग्रेवाल के शो में कहा था कि मैं कई फिल्मों में काम करने वाली थी, लेकिन बिना किसी कारण के वो फिल्में मेरे हाथ से निकल गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण शायद मुझे आज भी नहीं पता है। इन फिल्मों में ना काम करना मेरा फैसला नहीं था। जब ये फिल्म मेरे हाथ से गई तो मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर मैं हंसूं या फिर रोऊं। इसके पीछे का कारण शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इन फिल्मों में ना काम करने से बहुत बुरा लगा था। आपको बता दें कि उस दौरान ऐश्वर्या राय शाहरुख की फिल्म चलते चलते, वीर ज़ारा, मैं हूं ना और अनटाइटल्ड फिल्म से बाहर कर दी गई थी, जबकि आमिर खान की फिल्म मंगल पांडे से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा था। ऐश्वर्या राय ने भले ही सिमी ग्रेवाल के शो में ये नहीं बताया कि उन्हें क्यों रातों रात पांच फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, क्यों शाहरुख खान ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना किया और उनके साथ साइन की हुई सभी फिल्मों से वो बाहर हुई, तो इसकी वजह है सलमान खान। दुनिया जानती है कि सलमान और ऐश्वर्या में हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान इश्क मोहब्बत और प्यार परवान चढ़ा था। सलमान उस दौरान ऐश्वर्या को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन दो साल के बाद इस रिश्ते में कड़वाहट शुरू होने लगी। इसकी वजह थी सलमान का ऐश्वर्या को लेकर बहुत पॉसेसिव होना। ऐश्वर्या कभी भी किसी दूसरे हीरो के साथ काम करती थी तो ये सलमान को पसंद नहीं आता था। फिल्म देवदास के सुपर हिट होने के बाद ऐश्वर्या ने शाहरुख खान संग 4 से 5 फिल्में साइन कर ली थी, लेकिन ये सब सलमान खान को पसंद नहीं आ रहा था। बात मार्च साल 2002 की है। उस दौरान दोनों का रिश्ता ब्रेकअप की कगार पर था। दोनों के बीच जमकर झगड़े हो रहे थे। इसी बीच ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के साथ पुणे के नजदीक मालशेज में फिल्म चलते चलते की शूटिंग के लिए चली गई। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने सलमान को अपनी शूटिंग लोकेशन का पता तक नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह शूटिंग वेन्यू का पता लगा लिया और सेट पर पहुंच गए। वहां जाकर वो ऐश्वर्या राय से जिद करने लगे कि वो उनके साथ चले। ऐश्वर्या ने जब इनकार किया तो सलमान आपा खो बैठे। करीब 4.5 घंटे तक सलमान खान ने हंगामा किया। ऐश्वर्या पर वो खूब चीखे, चिल्लाए, खूब झगड़ा किया। बताया जाता है कि शाहरुख खान ने दोनों के झगड़े को शांत कराने के लिए बीच बचाव भी किया, लेकिन सलमान उल्टा शाहरुख खान के साथ ही भिड़ गए। सलमान ने शाहरुख का कॉलर पकड़ लिया। इस घटना के बाद चलते चलते की शूटिंग शेड्यूल कैंसिल कर दी गई थी। ऐश्वर्या फिल्म से निकाल दी गई और उनकी जगह रानी मुखर्जी की फिल्म में एंट्री हो गई। वहीं वीर ज़ारा में ऐश्वर्या की जगह प्रीति जिंटा ने ली और मैं हूं ना में उन्हें सुष्मिता सेन ने रिप्लेस किया। इन फिल्मों में ऐश्वर्या राय ने काम किया होता तो उनका करियर और ऊंचाई पर होता। एक साथ पांच फिल्मों से निकाले जाने और बॉलीवुड में हुई बदनामी के कारण ऐश्वर्या ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी की और सलमान से ब्रेकअप किया। ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हुआ था कि मीडिया को लेटर भेजकर एक एक्ट्रेस ने सुपरस्टार बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।